एवरीवन, माय नेम इज राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। पिछले 2-3 महीनों से मैंने 10-15 कॉल्स ऐसी रिसीव करी हैं कि उन स्टूडेंट्स का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। जब मैंने उनका जो केस है वो स्टडी करा तो आई फाउंड दैट कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इररिलेवेंसी एक मेजर फैक्टर था। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दूसरे कंसल्टेंट का, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया है कि काफ़ी कंसल्टेंट्स एमर्ज हो गए हैं लास्ट फ्यू ईयर्स, उससे क्या हुआ है कि लोग स्टूडेंट्स जो है कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं और कंसल्टेंट अपनी नॉलेज के हिसाब से स्टूडेंट को एक प्रोग्राम ऑफर करता है और उसमें अप्लाई कर देता है। ऐसे में स्टूडेंट लास्ट में जब उसका फाइनल डिसीजन आता है वीजा मैसेज से, तो वो डिसीजन जो है रिलेवेंसी या समथिंग ऐसा कुछ होके उसको रिफ्यूज़ल आ जाता है उसका। ये आज मैं वीडियो इसलिए बनाने जा रहा हूँ, स्पेशल ये वीडियो उस लिए है उन स्टूडेंट्स के लिए जो MBA में अप्लाई करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, कि इन तीन में क्या मेजर डिफरेंस है और कौन सा प्रोग्राम आपके लिए मोस्ट रेलेवेंट मोस्ट ट्रेबल रहेगा। और जब भी आप किसी कंसल्टेंट पर विजिट करोगे तो आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि मेरा प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस ये है या मेरी एजुकेशन ये है और मेरे लिए ये रेलेवेंट प्रोग्राम होगा। तो गाइस, लेट्स गेट टू द पॉइंट। सबसे पहले मैं जो तीन मेजर प्रोग्राम्स हैं उनमें एक डिफरेंशिएट या डिफरेंस आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले चलते हैं MBA में कि MBA में क्या होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट यू विल लर्न। सबसे पहले MBA में अगर बात करूं तो आप लर्न करोगे बिजनेस फंडामेंटल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप स्किल्स, HR, बिजनेस, मार्केटिंग या फाइनेंस से रिलेटेड या टीम लीड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपके पास होंगे जो आप वहां पर स्टडी करोगे। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट रिलेटेड स्किल्स होंगे वो आप स्टडी करोगे, बिजनेस फंडामेंटल्स करोगे एंड सुपरवाइज एनी प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली आप उसमें स्टडी करोगे। या मैं बात करूं कि मैनेज एनी प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली, इस तरह के आपके स्किल्स होंगे, दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स यू विल लर्न देयर। अगर मैं बिजनेस मैनेजमेंट, जैसे ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट या इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की बात करूं, तो आप बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड बिजनेस फंडामेंटल के सब्जेक्ट उसमें होंगे या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस सब्जेक्ट उसमें होंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट उसमें होंगे या फिर आपका इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड आपके उसमें सब्जेक्ट होंगे। ये हो गया तीनों प्रोग्राम्स का कि क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट आप उसमें स्टडी करोगे जब आप कनाडा जाओगे। अब बात करते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस की, कि अगर आपका ये प्रोफेशन है तो कौन सा प्रोग्राम आपके लिए रिलेवेंट रहेगा। सबसे पहले IT फील्ड में बात करता हूँ। अगर IT फील्ड में आप किसी टीम रोल में या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक रेलेवेंट फील्ड रहेगी, एक रेलेवेंट सब्जेक्ट रहेगा आपका प्रोग्राम जो है। इसमें आप लर्न करोगे कि हाउ टू प्लान, हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू मैनेज एनी प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली। अगर आप IT फील्ड में ही जॉब कर रहे हैं और आपका फील्ड जो है किसी प्रोजेक्ट पे आप यू आर नॉट वर्किंग एंड किसी प्रोजेक्ट पे आपने कोई काम ही नहीं करा है या आप एज ए इंजीनियर वहां पर काम कर रहे हो, तो आपका जो कोर्स रहेगा दैट वुड बी MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आप सिविल इंजीनियर की फील्ड में जॉब कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो अगेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिकॉज एवरी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रोग्राम रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट। कभी भी कोई भी आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, मीन्स आपके लिए द मोस्ट रिलेवेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रहेगा या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रोग्राम रहेंगे या बिल्डिंग इंजीनियरिंग के मास्टर डिग्रीज रहती हैं। और अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, मैनेजमेंट लेवल में हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, या सुपरवाइजरी लेवल पे है, जूनियर मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, एसोसिएट मैनेजर हैं या मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए मोस्ट रेलेवेंट प्रोग्राम जो है या तो MBA रहेगा अगर मास्टर डिग्री किसी ने करनी है, और अगर किसी ने PG डिप्लोमा करना है तो पोस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट डिग्री डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट रहेगा। सो गाइज, आपको ये तीन जो MBA, PG डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। और फिर भी मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आपका चाहे 10 साल का 12 साल का गैप है और आपका एक रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है अपनी प्रीवियस एजुकेशन से, तो आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है, आप कनाडा जा सकते हैं।
बट आपके पास जो है आपका एसओपी, एक परफेक्ट एसओपी होना चाहिए. उसमें रिलेवेंसी ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से केसेस में, इवन मैं बोलता हूँ कि मोस्टली केसेस में अगर रिजेक्शन का रीजन होता है रिलेवेंसी ऑफ जो प्रीवियस जो आपका प्रोग्राम है, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस या प्रीवियस एजुकेशन है, वो लेके ही आपका रिफ्यूजल आता है. उसके साथ साथ आपका जो प्रोग्राम है वो एसटीएस कैटेगरी में होना चाहिए, मींस आपका 6.5 नॉट लेस देन 6 से कम आईएलटीएस का स्कोर नहीं होना चाहिए, परसेंटेज आपका अच्छा होना चाहिए. एंड अगेन फंड्स आपके पास, अगर आपने फर्स्ट ईयर की फीस पे करी है, जीआईसी पे करा है, उसके अलावा आपका आपके जो अकाउंट जो आपका स्पॉन्सर होगा उसके अकाउंट में नेक्स्ट ईयर तक की फीस आपको शो करनी होगी अगर आपने वीजा अप्रूव करवाना है. ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आपका वीजा अप्रूव हो सकता है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था. सो गाइस, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं. वी बिलीव इन 100% जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज. या आप हमारे यहाँ आईएलटीएस या पीटी की कोचिंग भी ले सकते हैं. वी प्रोवाइड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग बोथ. Just guys, अगर आपका कोई गैप है, किसी भी स्टडी गैप मोर देन 5 years या 6 years है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप पीटी की जगह आईएलटीएस एकेडमी करें. बिकॉज पीटी के साथ जब हम अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन नॉन एसटीएस से प्रोसेस होती है और उसमें टाइम लंबा लॉन्ग टाइम चाहिए होता है और साथ ही साथ वीजा आने के चांसेस भी थोड़े से कम होते हैं एज कम्पेयर टू एसटीएस, और हमें फाइनेंशियल्स भी ज़्यादा दिखाने पड़ते हैं. तो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड दैट यू टेक आईएलटीएस कोचिंग एकेडमी फॉर एंड स्कोर 6.5 नॉट लेस देन 6. थैंक यू वेरी मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक.